सो है गाइज, वेलकम टू माई आर्ट चैनल आर्ट विथ नरेश। सो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड यूजफुल होने वाली है फॉर द बिगिनर। सो आज की वीडियो हम लेके आए हैं फॉर द आउटलाइन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादातर आउटलाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो हम इसका सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं इस ट्यूटोरियल में। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पेपर हम यूज़ कर रहे हैं वो है ये, यहाँ पर जो पेपर होने वाला ये है कैनसन प्रिंट का पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड जो है A4 साइज़ का है, 20 शीट्स इसमें आई थी जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी दराज से। तो जो है वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे ये जो पेपर रहने वाला है वो है टोन पेपर, आप देख सकते हैं टोन पेपर है टोटली। तो इसके ऊपर जो है शेडिंग बहुत ही ज़्यादा निखर कर एंड बहुत ही अच्छी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ग्रिड निकालेंगे, देन जो है मेथड अप्लाई करेंगे हम किस तरीके से इसको जो है ग्रिड किस तरीके से निकालते हैं वो आपको एक अच्छी डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पर जो है ग्रिड, सबसे पहले ग्रिड मेथड के लिए आपको एक स्केल इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रोल करता है, देन जो है 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल। इधर अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल ना हो तो HB का पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से शार्प करके। एंड यहाँ पर जो अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑन करो। एंड यहाँ पर जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ वो ये प्रोपोर्शनल डिवाइडर है, एक प्रोपोर्शनल के लिए मैं यूज़ करूँगा ये डिवाइडर, एक बहुत ही अच्छा टूल है, इसका यूज़ करेंगे किस तरीके से तो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मैंने ले रखा है एज अ टारगेट, मैंने जो ले रखा है सर रणवीर सिंह का पोर्ट्रेट ले रखा है। एंड यहाँ पर जो मैंने ग्रिड निकाले हुए थे, तो ग्रिड में मोबाइल के थ्रू हम कैसे ग्रिड मेथड निकाल सकते हैं अपने पोर्ट्रेट में, तो वो एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा एंड मज़ीद डिटेल से। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड ये फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं मोबाइल की स्क्रीन पर जो फाइनली आ चुका हूँ एंड यहाँ पर जो डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो अपने प्ले स्टोर से जो है एप्लीकेशन डाउनलोड रखी है ग्रिड मेथड। एंड यहाँ पर जो है फर्स्ट अपोल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करके एंड जो है स्टोरेज से किसी का भी जो पोर्ट्रेट आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो मैं रणवीर सिंह का पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें जो है इसी की पोर्ट्रेट बनानी है। तो यहाँ पर जो है हमें बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जो लाइन्स का है, यहाँ पर 5 लाइन लगी हुई है तो हमें 11 करनी है, तो हमें इजीली 11 टाइप कर लेना है यहाँ पर, देन जो है 11 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है कलरफुल मैंने कर लिया है, कलरलेस कर लिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर हमें जो है ये जो लाइन्स बनी हुई हैं डार्क एंड लाइट हो सकती है, यहाँ पर आप जो है दबाकर लाइट या डार्क कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो रोज़ की थिकनेस कितनी है, लाइंस की थिकनेस कितनी है, यहाँ पर मैंने 2 रखी है, आप देख सकते हैं 2 है। तो हमें लाइंस की थिकनेस भी जो है थोड़ी कम करनी है ताकि जो पोर्ट्रेट हमारा जो है क्लियर हमें नज़र आए। तो आप इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो मैं नंबरिंग भी मैंने कर रखी है, टिक लगाया तो नंबरिंग आ गई है, यहाँ पर अगर हटाएंगे तो नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो है सेव कर लेना है इजीली, देख सकते हैं बिल्कुल मैंने जो है 11 to 7 निकाल रखे हैं। आपको इजीली जो है यहाँ पर सेव के बटन के ऊपर जो है क्लिक कर सकते हैं एंड पोर्ट्रेट जो हमारा सेव हो चुका है अपने स्टोरेज में, यहाँ पर आ सकते हैं एंड देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट। तो इस तरीके से जो आप ही अपने पोर्ट्रेट को ऐसे ग्रिड मेथड के थ्रू अपने मोबाइल में कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली डियर फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ पर आ चुके हैं अपने पोर्ट्रेट को लेके एंड किस तरीके से हम जो है ग्रिड मेथड निकालेंगे किस तरीके से, तो आप देखेंगे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर जो है हमें पेज के ऊपर किस तरीके से ग्रिड निकालना है वो देखना है। तो एक जो बॉक्स बनना है यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनना है, तो हमने एक कैलकुलेट करके देखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजीली हमें जो है 0.2.5 mm पर जो है हमें पॉइंट लगाना है इजीली, आप इस तरीके से लगा सकते हैं बिल्कुल इजीली। 4 साइड से हमें इसी तरीके से 2.5 mm के जो है 4 साइड से हमें जो है इसी तरीके से पॉइंट लगाने, देन लाइन क्रॉसिंग करनी है एंड जो है इजीली जो है ग्रिड मेथड जो है बन के रेडी हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से।
एनी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने पॉइंट आउट कर लिया फोर साइड से, एंड यहाँ पर जो है ईजी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आपको स्केल के हेल्प से आपको जो है लकीर डालनी है, लकीर निकालनी है, ठीक है, ईजीली, बिल्कुल ईजीली आप देख सकते हैं किस तरीके से। तो वीडियो यहाँ पर जो मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो टाइम सेव करने के लिए यहाँ पर जो वीडियो मैं फास्ट कर रहा हूँ, टाइमलेस कर रहा हूँ, मेथड वही करना है, बिल्कुल देख सकते हैं आपको इसी तरीके से। सो फाइनली यहाँ पर जो है ग्रिड बन के रेडी हो चुका है, देन जो है मैं आउटलाइन शुरू कर लेनी है। तो यहाँ पर जिस बॉक्स में जो पार्ट्स हैं, जहाँ पर आई है, तो हमें आई ड्रा करनी है। उस बॉक्स में जहाँ पर नोज है, तो उसी बॉक्स में हमें नोज ड्रा करना है। यहाँ पर जो है हमें जो 100% रिजल्ट ईजीली मिल जाता है अपनी आर्ट के अंदर, तो आपको ईजीली अप्लाई करना है। एंड मेथड को यहाँ पर जो मैं वीडियो दोबारा से वंस अगेन मोर में जो टाइम लेस कर रहा हूँ, तो आपको मेथड वही अप्लाई करना है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर जो मैंने बॉर्डर कर लिया है पोर्ट्रेट को, हमने जो एक शक्ल दे दी है, यहाँ पर अंदर जो हमें आई, नोस एंड लिप्स एंड बियर्ड एंड मोस्टिचेस जो है इजीली ड्रा करने है। तो किस तरीके से किस बॉक्स में हमारा आई आ रहा है, तो मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ बनाने की यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो मैंने टेक्निक आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हमें जो है एक मेजरमेंट के लिए मैंने एक टूल यूज़ किया है, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर एंड गौर से देखना कि किस तरीके से मैं उस टूल का यूज़ करता हूँ यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने जो है फाइनली वो टूल जो मैंने आपको बताया था, वो ट्रिक बताई थी, वो ले लिया है। यहाँ पर हमारे पेज के ऊपर जितना बॉक्स बना हुआ है, उतना ही हमें जो अपने मोबाइल के ऊपर उतना ही बॉक्स जूम आउट करके बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको पेज के ऊपर ईजिली जो है मार्क करना है कि हमारा जो है बॉक्स इतना है, देन आपको उतना ही अपने जो है मोबाइल के जूम आउट करके आपको इस तरीके से आप बना सकते हैं। देन इसका करने से हमें रीज़न क्या है, फर्स्ट क्या है, क्योंकि हमें जो एक आई वगैरह या नोज़ बनाएंगे तो उसको हमें प्रॉपर एक वे मिलेगा कि हाँ यहाँ पर इतना आई है, इतना है, तो हमें बनाने में थोड़ा इजी मेथड लगेगा। एंड रिज़ल्ट जो है यहाँ पर 100% आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एक तो हमने ग्रिड मेथड यूज़ किया, देन हम जो है जहाँ जहाँ पर पार्ट है हम जो उसको अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से आप पॉइंट लगाकर जो है अपनी मिस्टेक्स निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी थी, तो मैंने जो है उस डिवाइडर का यूज़ करके यहाँ पर जो है करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह आपको मेजर करते जाना है, देन पोर्ट्रेट को इजीली एंजॉय मज़े के साथ आपको बनाते जाना है, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, टाइम देके बिल्कुल अच्छे से बनाना है। एंड डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं टाइम लेप्स करना, क्योंकि मुझे जहाँ पर पॉइंट बताना है वहाँ पे आपको जो मैं बताऊँगा ईजीली। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will
choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. तो डिफरेंस यहाँ पर जो फाइनली जो हमारा पोर्ट्रेट जो है एक आउटलाइन के ऊपर जो हमारा ट्यूटोरियल था वो कंप्लीट हो चुका है, हमने आउटलाइन जो है कंप्लीट कर ली है विद ग्रिड मेथड। तो डिफरेंस अगर वीडियो आपको यूजफुल थोड़ी सी भी लगी हो थोड़ी सी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना, तो ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ कि मेरी बात में यहाँ पर थोड़ा बहुत दम है थोड़ा बहुत। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं मैंने आपको ईजी से ईजी समझाने की ट्राई किया यहाँ पर, एंड आज के लिए कुछ इतने, एंड जल्द ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा विथ इजीली, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब या कर लेना। एंड आज के लिए इतना है, जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल नंबर 2 यहां पर आपको जल्द ही मिल जाएगा। एंड टाटा बाय बाय। डिफरेंट टाटा वो वाला नहीं, टाटा ये वाला।